पेपर रिव्यू वेयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स शेयर्ड द क्वेश्चंस विद अस एंड वी गिव थैंक्स और से थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स. सो इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द ग्रामर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड एंड वी विल सी हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्लीज डू रिमेंबर गाइज दैट दिस इज दिस वॉज द सीबीटी पेपर. सो क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन आर बेस्ड ऑन मेमरी राइट. ओके सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर. सम ऑफ द क्वेश्चंस इज क्वेश्चन नंबर वन द हाउस वॉज ब्रोकन इन एट नाइट राइट. सो वी हैव टू चेंज द पैसिव ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द आंसर इज सच क्वेश्चंस हु ब्रोक द हाउस इज नॉट मेंशन एंड द क्वेश्चन इज इन पैसिव. वी कैन सी वॉज एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज देयर. सो वी विल मेक इट इन एक्टिव. सो इट विल बी वी विल क्रिएट द सब्जेक्ट लाइक समवन और अ थीफ. यू कैन यूज वट एवर यू वॉन्ट. समवन ब्रोक इन बिकॉज दिस इज अवर फ्रेजल वर्ब. सो वी विल मेक इट ब्रोक इन. इंस्टेड ऑफ ब्रोकन वी विल यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब सेकेंड फॉर्म समवन ब्रोक इन एट नाइट इन द हाउस. ओके सो दिस विल बी द आंसर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ही सेड टीना वाई आर यू क्राइंग. वी हैव टू चेंज द नरेशन हेयर. सो दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन. सो वी विल यूज द रिपोर्टिंग वर्ब एज आस्क्ड. ही आस्क्ड टीना राइट. एंड देन वी विल यूज द क्वेश्चन वर्ड हेयर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. वाई आर यू क्राइंग इट्स इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो वी विल यूज द परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस. वाई यू विल यूज फॉर द सेकेंड पर्सन बट इज द फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर द सन फॉर्मूला 1 2 3 यू रिमेंबर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस. इफ द सेकेंड पर्सन यू इज देयर देन वी विल यूज देन वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो वी विल से वाई वॉज शी क्राइंग. वाई वॉज शी क्राइंग. सो वी विल से दैट ही आस्क्ड टीना वाई सॉरी वाई शी वॉज क्राइंग रादर. वी विल यूज वाई शी वॉज क्राइंग बिकॉज वेन वी मेक इट द रिलेटिव प्रोनाउन देन वी यूज द सब्जेक्ट आफ्टर इट एंड देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब. याद होगा सबको मैंने बताया था कि जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो वहाँ बेसिक एरर जो होता है वो ये हो जाता है कि वाई वॉज शी कर देते हैं हम. वाई वॉज शी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये अफर्मेटिव है. तो हम इसीलिए वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था. ठीक है तो ये इसका आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स. सिंपल सा क्वेश्चन है. हम इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है. तो ये तो हम बहुत इजीली देख रहे हैं कि फॉर सिंस का यूज है और हैज बीन हैव बीन यूज हुआ है. तो हम इसको कह देंगे सीधा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो वी विल से इट एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वर यू टॉट ग्रामर बाय. वट विल बी द आंसर. वी हैव टू चेंज द वॉइस हेयर. सिंपल क्वेश्चन. यूज एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज यूज. सो द क्वेश्चन इज इन पैसिव वॉइस राइट. द क्वेश्चन इज इन पैसिव वॉइस एंड वी विल कन्वर्ट इट इन टू एक्टिव वॉइस. इसमें हु का हु ही रहता है और सिंपली आप एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और हु टॉट यू ऑब्जेक्ट लगाएंगे. इट्स अ क्वेश्चन विद 2 ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स लगे हैं आपके. एक ये है ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल क्लोजर है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हु टॉट यू ग्रामर इसका आंसर होगा. ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्योंकि यहाँ पर वर यू टॉट आया है. तो वर यू मीन्स वर यू टॉट वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट सिंपल में है ये पैसिव. तो आज जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट सिंपल एक्टिव करेंगे यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. सो हु टॉट यू ग्रामर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आइए जल्दी से देख लेते हैं गाइज. हैविंग सीन पुलिसमैन द थीफ स्पेड अवे या स्पीड अवे कुछ भी आप लिख दें. तो इसमें ये किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी तो है नहीं. सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? कौन बता रहा है जल्दी से बताएं. देखिए ठीक है सिंपल सेंटेंस है. KVS PGT के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है गाइस. बेस्ड ऑन मेमोरी ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं हम लोग. तो सिंपल सेंटेंस है. हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया द थीफ स्पीड अवे. ठीक है
वैसे यहाँ पर स्प्रेड अवे आई थिंक होना चाहिए क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए, बट फिर भी क्लॉज इसमें कोई डाउट नहीं कि सिंपल सेंटेंस का क्लॉज है। एज सून एज होता तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। एक्सक्लेमेटरी में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए होता है, और कंपाउंड में अलग टाइप का सेंटेंस होता है, एंड और का यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ही हैज गॉन टू स्कूल, आइडेंटिफाई द टेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा? ही हैज गॉन टू स्कूल। सिम यहाँ पर आप देख रहे हैंज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस हो गया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, क्या होगा इसमें? होगा और इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपका जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, हाँ उसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जिनको कंडीशनल वाले होते हैं। ठीक है, एज एज इफ, एज इस तरीके से, तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, हम उनको इफ आ जाता है उसमें, एज इफ आ जाता है, ये सब आ जाता है। ठीक है, राम हैज टेकन द बुक बैक, बैक होगा ये, तो क्या होना चाहिए इसमें? बी ए सी की है ये, सो इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, वील चेंज इट टू प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। सो द आंसर वुड बी द बुक हैज बीन टेकन बैक बाय राम, द बुक हैज बीन टेकन बैक बाय राम। ठीक है, सिंपल। बट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैज जस्ट शेयर दिस पीडीएफ, आई एम और शुड आई से पिक, इट्स नॉट दैट क्लियर, बट स्टिल इट्स जस्ट गिविंग अस द बेसिक आइडिया, लाइक टेंस आइडेंटिफिकेशन 5 मार्क्स, एक्टिव पैसिव वॉइस 5 मार्क्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4 मार्क्स, क्लॉज आइडेंटिफिकेशन अगेन 5 मार्क्स, एंड देन सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन 6 मार्क्स, देन पैसेजेस वर देयर फ्रॉम ऑल क्वेश्चंस 11 to 12 क्लास। सर योर एफर्ट मेक अस स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच। आई रियली बिकम रियली वेरी इमोशनल व्हेन स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द एफर्ट्स, बिकॉज ट्राई टू टीच। थैंक यू मैम, आई ट्राई टू टीच अकॉर्डिंग टू माई हार्ट, एंड द हार्ट नेवर यू नो गिव्स अस द रॉन्ग सिग्नल, सो इट ऑलवेज हेल्प्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ऑथर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ऑथर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ऑथर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, बट जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट था, जी हाँ एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट था जिसको कि हमने माना था कि अंदर से घुस के चैप्टर से पूछेगा, वो बहुत आए थे। तो जिसने टेक्स्ट को पढ़ा था, जैसे कि जो लेसन ग्रेडिंग हमने करी थी, आप लोग को याद होगा केवीएस पीजीटी में, वो बहुत अच्छा था। आप लोग के जैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे टट वाइट हॉर्स, एनिमी एड्रेस, तो जो जो चैप्टर्स को हम लोगों ने डिफिकल्ट ग्रेड के हिसाब से बताया था, उनके हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, क्लॉजेस भी पहली बार क्लियर हुए, साथ ही हमारे बता रहे हैं। तो थैंक यू ऑल, इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली पर्सनली स्पीकिंग आफ्टर माय हेल्थ इश्यूज, इट वाज वंडरफुल टू बी बैक, एंड लेट्स कंटिन्यू टू सेलिब्रेट सक्सेस एट केजे। वी नो केजे इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग सक्सेस, एज टेनिसन सेड, मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। So that means that the conditions may come, they may change, but the most important thing is the learning continues despite all age groups, despite all challenges, despite maybe unsuccessful attempts. It is the learning that counts at the end. So my dear learners, please be really very thankful to God, and most importantly, let's not learn. I always say this as a mantra, let's not learn for the job, let's not learn for the immediate success, let's learn for the sake of learning, let's learn for the curiosity of learning, let's learn most importantly for our own, you can say, satisfaction of our heart. When you start learning just for the sake of learning, it becomes a fun, it becomes enjoyable, and most importantly, all kinds of success come to you. But it's all about having the right attitude towards learning or coaching. When you have the right attitude, you definitely are going to get success.
मे बी सूनर और लेटर द टाइम विल कम दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आफ्टर हैविंग फेल्ड इन 4 to 5 अटेम्प्ट इन द इनिशियल नेट एग्जाम इन 2012, 11 ईयर्स बैक. आई कंटिन्यू टू सोल्जर ऑन एंड बाई द ग्रेस ऑफ ऑल माई टी आई मैनेज टू गेट गुड सपोर्ट, गुड गाइडेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द इनर डिटर्मिनेशन विल टू गेट दिस काइंड ऑफ सक्सेस. एंड आई एम ऑलवेज अ फर्म बिलीवर इन सेल्फ बिलीव. ओके, सो दोज हु बिलीव इन देमसेल्व्स इवन गॉड ऑल्सो बिलीव इन देम. सो बट दैट बिलीव शुड नॉट बी जस्ट इम्प्रैक्टिकल, दैट बिलीव शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. इट शुड बी रियल जेन्युइन बिलीव इन योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कन्विक्शन. आपके अंदर से एक आवाज होनी चाहिए कि यस, मुझे करके दिखाना है, आई हैव टू डू इट एनी हाउ. ठीक है, और आप ऐसी तैयारी करो कि आपकी रेंज में जो भी एग्जाम आ रहा है वो क्लियर होगा, बट आप उसके अंदर तक, जिसे हम कहते हैं ना अंदर अंदर के सारे पॉइंट्स पढ़ पढ़ के उसको खत्म कर दो. और भले ही जैसे अभी आपको मैंने क्लॉज पढ़ाने की कोशिश करी थी या टेक्स्ट एनसीईआरटी के पढ़ाए, जूझे हम टेक्स्ट से. आपने देखा कि टेक्स्ट से जूझना कितना इंपॉर्टेंट था, और इस बात पे दिमाग लगाया कि ग्रेडिंग ऑफ ऑथर्स कर दो, जिससे कि आपको ज्यादा समय ना लगे और कम समय में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए. ठीक है, तो अब हमारे सामने अगला टारगेट है, और इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथी अजय सर को भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल अपने उसको यूज किया, और सारे का सारा जो इनिशियल एफर्ट था सर का था, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी जो केजी की टीम है, टाइपिंग टीम है, हमारे जितने भी साथी हैं उन सब लोगों को भी, सपोर्ट मेंटर्स, हृदय से धन्यवाद. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि आगे हमें इसी जर्नी पे कंटिन्यू जाना है ना?